कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा ने अदालत में शोहर जहीर से ताल्लुकात खुशगवार ना होने का बयान दे दिया। दुआ जहरा ने दारुल अमान जाने के लिए लाहौर की मकामी अदालत में मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान रिकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने शोहर जहीर से हालात खुशगवार ना रहने का बयान दिया। दुआ का कहना था कि शोहर जहीर अहमद के साथ ताल्लुकात खुशगवार नहीं रहे और खावन से अलग होकर अपने रिश्तेदार के घर रात गुजारी। उनका कहना था कि मेरे पास रहने के लिए कोई छत नहीं है, वालिदैन और दीगर अफराद से संगीन नताइज की धमकियां मिल रही हैं, लिहाजा अपनी मर्जी से सिक्योरिटी के लिए दारुल अमान जाना चाहती हूँ। दुआ का कहना था कि मुझे वालिदैन से मुसलसल जान का ख़तरा है, वो मारते थे, वालिदैन खतरनाक नताइज की धमकियां देते हैं। बाद असा अदालत ने दुआ जहरा को दारुल अमान भेज दिया।